नमस्कार दोस्तों, एडवाइस टीवी ट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम वर्बीना की कटिंग कैसे लगाएं। आज मैं आपको बहुत आसानी से समझाऊंगा कि आप वर्बीना की कलम कैसे लगाएं। दोस्तों, वर्बीना को आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और आप इसकी सीडलिंग से भी ग्रो कर सकते हैं, तो दोनों माध्यम से बड़ी आसानी से लग जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। अगर आप इसकी कटिंग लगाना चाहते हैं तो बस आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करनी होती है, उसके बाद इसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाती है। दोस्तों, वर्बीना का पौधा जब एकदम घना हो जाता है तो इसमें बहुत सारे फ्लावर एक साथ आते हैं और देखने में काफ़ी खूबसूरत प्लांट लगता है, काफ़ी हार्डी प्लांट होता है। सर्दियों में आप इसको जितना अधिक धूप देंगे इसमें फ्लावरिंग उतनी ही अधिक होती है, और साथ ही साथ इसमें आप जितना नमी बनाए रखेंगे इस प्लांट में उतना इसमें ज़्यादा ग्रोथ होगा। तो आप इसमें पानी निकासी की व्यवस्था उचित रखें, आपको पानी भर के नहीं रखना है। तो आज की मेरा वीडियो है कि इसकी कटिंग कैसे लगाएं। तो दोस्तों, इसकी कटिंग लगाने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करना होगा। कोई भी एक ब्रांच आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जो थोड़ा पुराना ब्रांच हो, आप एकदम नया ब्रांच ना लें। जो हल्का सा पुराना ब्रांच हो गया हो, लगभग 1 से 1.5 महीना पुराना ब्रांच हो, आप उसका चुनाव कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि आपको कैसे ब्रांच लेना चाहिए। तो मैंने एक ब्रांच लिया, इस पर फ्लावरिंग हो गई है, और एक नीचे का ब्रांच है मेरा टूट गया था, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मैं एक अलग गमले में लगा दूँ। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसको निकाल लिया है, ये ब्रांच टूटा हुआ था, और इसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई, यानी जड़ें इसमें निकलना वहीं से स्टार्ट हो गई हैं। तो दोस्तों, आप देख ही पा रहे होंगे कि ये बड़ा हमारा जो ब्रांच आप देख रहे हैं टूट भी गया था और इसमें जड़ निकल आई है, यानी ये काफ़ी जल्दी लग जाता है और लगने में बहुत आसानी रहती है इसके। अगर आप में रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई, अगर आप कोई ऐसा ब्रांच ले रहे हैं जिसमें रूट नहीं निकला हुआ है, फिर भी वो आसानी से लग जाएगा। तो जैसा कि आप, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारा ब्रांच था वो यहाँ से टूट गया था, यहीं पर लगा हुआ था, ये पूरा सूख गया है और उसी के नीचे उसमें रूटिंग स्टार्ट हो गई थी। नमी की वजह से रूटिंग जल्दी स्टार्ट हो गई, अगर नमी नहीं होती तो शायद वो ब्रांच सूख जाती। तो लगाने के लिए जो आप मिक्सर यूज करेंगे उसमें आप लगभग 40% सॉयल ले लीजिए, 30% सैंड लीजिए, और 30% आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। अगर आपके पास फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप नॉर्मल गार्डन सॉयल में भी उसको उगा सकते हैं, कोकोपीट में उगा सकते हैं, किसी भी मिट्टी में बड़ी आसानी से उग जाता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पास सैंड या फिर कोकोपीट या फिर कोई फर्टिलाइज़र होना चाहिए। तो मैंने इसको आसानी से लगा दिया है, आप देख पा रहे होंगे ये एक ब्रांच मैंने लगा दिया है। ब्रांच को लगाने के बाद इसमें हल्की सी वाटरिंग कर ले। पहली बार आपको वाटरिंग ज़्यादा करनी चाहिए, उसके बाद में जब इसमें देखें कि थोड़ा ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, आपकी मिट्टी थोड़ी सी सूखने लगी है, तो उसमें फिर पानी आप डाल सकते हैं। तो पानी डालने के बाद आप इसको अभी किसी ऐसी जगह पर रख दें जहाँ पर धूप इस पर डायरेक्ट ना पड़े। कोशिश करें कि आप इसको अंदर रख दें, जब इसमें थोड़ी सी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी फिर हम इसको डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हमने प्लांट नया नया कटिंग लगाया है, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट में आप ना रखें। तो कुछ इस तरह से बड़ी आसानी से इसको ग्रो किया जा सकता है। अगर आप इस पर अधिक फ्लावरिंग चाहते हैं तो आप इसको अधिक से अधिक सनलाइट में रखें, कम से कम 5 से 6 घंटे इसको सनलाइट में रखें। पानी निकासी की आप उचित व्यवस्था बना लें, इसमें आप पानी की नमी बरकरार रखें, यानी आपकी मिट्टी हमेशा नम होनी चाहिए, लेकिन इसमें पानी का भराव नहीं होना चाहिए। इसमें जब फ्लावरिंग हो जाती है उसके बाद जो पोर्शन बचता है, यानी उसमें जो सीड लगना स्टार्ट हो जाता है, अगर आप उस पोर्शन को निकालते रहेंगे तो इसमें फ्लावर बराबर मात्रा में अधिक आएंगे और लगातार फ्लावर इसमें आते रहेंगे। तो ये आप अपडेट वीडियो देख सकते हैं, लगभग 10 दिन के बाद कुछ ऐसा हो जाता है आपका ब्रांच। और मैंने इसके बगल में एक और छोटी सी ब्रांच जिसमें रूट नहीं थी उसको लगा दिया था, ये मैंने 2-3 दिन पहले ही लगाया है। और जो आप बीच वाली जो ब्रांच देख रहे हैं वो मेरी मेन ब्रांच है जो मैंने कटिंग करके लगाया था। तो इसमें अब ग्रोथ स्टार्ट हो गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ऊपर से ये हल्का हल्का ग्रो कर रहा है, तो बड़ी आसानी से लग जाता है, इसमें आपको ज़्यादा मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपको एक चीज़ का और इसमें ध्यान रखना चाहिए कि आप इसमें इकट्ठा ज़्यादा फर्टिलाइज़र ना दें, अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका प्लांट सूख सकता है। तो आप कोशिश करें कि महीने में 2 बार या 3 बार आप इसमें फर्टिलाइज़र हल्की मात्रा में कोई भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। अब मेरे पास इसके सीड भी हैं, अगर आप सीड से ग्रो करना चाहते हैं तो भी ये बड़ी आसानी से ग्रो हो जाता है, बस सीड से ग्रो करने में थोड़ा टाइम लगेगा आपको, और कटिंग से ग्रो करने में बहुत जल्दी फ्लावरिंग देने लगता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसकी कटिंग कैसे लगाना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर।